कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और मैंने जैसे अभी अपनी वीडियो एडिट की, एडिट करने के बाद जो है फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना। तो अभी है इवनिंग टाइम, जो है शाम से बज रहे हैं 7:30। तो बस अब जा रही हूँ खाना बनाने। तो खाने में मैं बनाऊँगी अंडा करी, चावल रोटी। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। खाना बनाने से पहले मैं बच्चों को आइसक्रीम दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और बस यहाँ पर इन सारे बच्चों को आइसक्रीम निकाल कर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। तो मैंने रखा था फ्रीजर में, थोड़ा सा जो है ये मेल्ट होने लगा था तो मैंने फ्रीजर में रख दिया था, लेकिन बच्चे जो है, बच्चों को चाहिए तो मैं सबसे पहले बच्चों को दे देती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। बॉयल कर लिए थे तो बस इसको हम छील लेंगे। तो ग्लास की मदद से हम इसमें ग्लास में अंडे डालकर और थोड़ा सा ऐसे हिला देते हैं, तो ये बहुत अच्छे से इसका छिलका मतलब निकल जाता है, तो बहुत जल्दी से छिल जाता है। ये बढ़िया आसान तरीका है अंडा छीलने का, तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर सारे अंडे मैंने छीन लिए हैं और इसको हम फ्राई कर लेते हैं हल्दी और लाल मिर्च डालकर, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है। यहाँ पर मैंने सारे मसाले तैयार कर लिए। तो प्याज लहसुन अदरक को मैंने ग्राइंड कर लिया है, उसके बाद इसमें हम मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा इसमें काली मिर्च डाला है और नमक। बस मसाला तैयार हो गया है और इधर ये भी जो है फ्राई हो गया है। हल्के से जो है फ्राई हो गया, तो इसको हम बर्तन में निकाल लेंगे और उसी में जो है हम सारे मसाले जो तैयार किए थे ये हम डाल देंगे। तो वैसे भी मैंने अंडा करी तो बहुत बार बनाया है, आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और तो बस मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है, दही थोड़ा कलर लाने के लिए, दही से कलर भी अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और सैटरडे के दिन मेरे यहाँ अंडा करी शाम को बनता ही बनता है, तो जो है आज है सैटरडे, शाम का तो मैं वही बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया। तो बस मसाले जो है भुन गए हैं, इसमें हम टमाटर प्यूरी डाल देंगे। तो हम सारे मसाले ग्राइंड करके, सॉरी प्याज टमाटर में ग्राइंड करके ही डालती हूँ, इससे अच्छी ग्रेवी बन जाती है। तो बस मसाले जो है हम भून लेंगे और उसमें उसमें जो है मसाले भून गए हैं तो इसमें हम अंडे डाल देंगे। इसको थोड़ी देर और मुझे भूनना है, तो इससे क्या होता है अंडे में जो है मसाला अच्छे से जो है अब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ी देर इसको पका लेती हूँ अंडा डाल के। तो ये देखिए भून गए हैं और इसमें हम डाल देंगे पानी। गैस जो है मैंने बंद कर दिया है, इसमें धनिया पत्ती, हरी मिर्च डाल दिए हैं। तो ये देखिए अंडा करी बनकर मेरा रेडी हो गया है। क्या कर रहे हो बुबू? कलर कर रहे हो? अभी वाह बहुत अच्छा, क्या कर रहे हो कलर? ये बनाना। क्या बना रहे हो? ये। थोड़ा सा तेज बोलो। ये। नाम क्या है इसका? बच्चा। आ? बच्चा बच्चा। हाँ। कौन दुग्गू बच्चा है? हाँ। ये दुग्गू बच्चा है? हाँ। दुग्गू तो बहुत। मलाई ज़्यादा जो है इकट्ठा हो गया था, तो हमने इसको ग्राइंड करके
और बहुत जो है आसानी से जो है मक्खन निकल जाता है। तो मैं ज़्यादा देर रखती नहीं हूँ, एक हफ्ते से ज़्यादा, एक कटोरा है तो एक हफ्ते में भर जाता है। तो जब एक हफ्ता हो जाता है तो मैं जो है मक्खन निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं जब तक एक साइड में रख दे रही हूँ, तो मैं बनाने जा रही हूँ आज सरसों का साग मक्के का रोटी। क्योंकि सरसों का साग मक्के का रोटी खाने में तभी मज़ा है जब लोग इकट्ठा रहते हैं, क्योंकि ये बना के रख देने में फिर ठंडा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो आज था संडे तो मैंने सोचा कि चलो आज साग और मक्के की रोटी बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे और यहाँ तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है लहसुन अदरक हरी मिर्च को चॉप करके तेल में डाल दिए हैं, ये पक गया है। इसके बाद इसमें हम ग्राइंड किया हुआ ये प्यूरी डाल देंगे। तो इसमें सरसों, पालक, मेथी, बथुआ ये सब है, मैंने ये सब डाल दिया है। उसके बाद मैंने नमक डाल दिया और एक चम्मच भर के क्या बोलते हैं इसको, मक्के का आटा, हाँ ये मैंने डाल दिया है। मक्के का आटा डालने से क्या होता है, जो इसका सरसों का टेस्ट होता है कड़वा टेस्ट, तो वो फिनिश हो जाता है, तो इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ। वैसे सरसों के साग में डलता है मक्के का आटा, इससे टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ पे बन गई मेरी जो है सरसों का साग। बस अब बनानी रह गई है रोटियाँ, तो जब सब खाएंगे तब मैं बना दूँगी। और यहाँ पे मेरा घी भी हो गया है, तो घी मैंने धीमी आंच पे रख दिया था, धीरे धीरे ये जो है खोलते खोलते, तो अभी ये ब्राउन नहीं हुआ है, जब ये ब्राउन हो जाएगा तो घी अच्छे से पक जाएगा। मैं अब आती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो जो है क्लिप मैंने शूट किया है, और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मेथी की मसालेदार सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे मैंने दो मीडियम प्याज लिए हैं और इसको हम कट कर लेंगे, दो टमाटर लिए हैं। तो मैंने आलू को और मेथी को मैंने बॉयल कर लिया था, और उसके बाद हम नहा कर आ गए हैं सुबह सुबह, क्योंकि आज मंडे हैं, ऑफिस जाना है तो थोड़ा काम जल्दी जल्दी रहता है। तो बस यहाँ पर मैं प्याज को कट कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने लहसुन और अदरक को कूट लिया है, और जब तक मैं कढ़ाई को रख दूंगी गरम हो जाएगा। तो बस मॉर्निंग का टाइम आप लोग को पता है कि कितना जल्दी जल्दी रहता है, तो बस यहाँ पे जो है मैं जल्दी से बना लेती हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने दो सूखी लाल मिर्च डाल दिए हैं, और उसके बाद इसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक। तो आप लोग भी बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है आलू मेथी की सब्ज़ी। जो अगर साग ना खाता हो, जो भुजिया ना खाता हो, तो आप ऐसे भी बना कर खा सकते हो, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, मसालेदार, पूड़ी पराठा जिस चीज़ से भी खाइए। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है, और उसके बाद हम टमाटर डाल देंगे। तो प्याज को हम ज़्यादा मतलब ब्राउन नहीं होने देंगे, तभी ये अच्छा लगेगा प्याज। तो बस मैं नमक डाल दूँगी, और इसके बाद इसको ढककर थोड़ा सा गला लूँगी। देखिए आलू और मेथी जो है पक गए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। टमाटर और प्याज भी पक गया है, तो अभी अच्छे से गला नहीं है, लेकिन अभी मैं मसाला डाल दूंगी तो थोड़ी देर के लिए तो ये और गल जाएगा, ढक दूंगी। तो इसमें मैंने जो है हल्दी और धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और इसके बाद थोड़ा सा इसमें दालचीनी डाल देंगे, दालचीनी पाउडर, तो बस, और थोड़ी सी हाँ काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च जो है अच्छा मतलब अच्छा लगता है स्वाद इसका। तो बस इसको मैं थोड़ा सा गला लूँगी पानी डालकर। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मसाला मेरा जो है पक गया है अच्छे से। तो बस इसमें हम वापस डाल देंगे आलू और मेथी। ये आलू और मेथी जो मसालेदार बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा।
तो बस यहाँ पे बन गई है। अभी इसका जो पानी है, पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो इसको हम पकने देंगे, क्योंकि जो मेथी का पानी होता है इसको हम फेंकते नहीं हैं, वापस उसी में डाल देते हैं। तो इसको धीमी आंच पे जो है हम थोड़ा सा पका लेंगे तो इसका पानी जो है सूख जाएगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट ब्रेड आमलेट। तो मैं नहा धोकर जो है मतलब ना आ गई हूँ, तो अभी मैं जो है ब्रेड आमलेट बना रही हूँ तो मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी पूजा नहीं किया है, क्योंकि सुबह सुबह आप लोग को पता ही है कि जल्दी रहता है। तो बस मैं नहा कर सीधे किचन में ही आ गई थी, तो बस एक तरफ से मैंने सब्जी रख दिया और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड आमलेट। और इनको ऑफिस जाने के बाद जो है फिर से मुझे दोबारा भी नहाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब एग छूली हूँ तो मुझे जो है नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूजा नहीं कर सकते। जो है सबके ऑफिस जाने के बाद मैं फिर दोबारा से नहाई हूँ, पूजा की हूँ। और ये बॉक्सिंग बैग है, तो बच्चे जो है कह रहे हैं मुझे खेलना है, तो मुझे कहीं इसका जुगाड़ दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे जो पीछे गैलरी है, यहाँ पे जो जाली लगी है, तो यहीं पे मैंने बांध दिया है, अभी काम चलाऊँ। और उसके बाद जो है अब यहाँ पे खेलेंगे और नीचे देखती हूँ, अगर नीचे जगह होगा तो नीचे ही कर दूँगी। तो ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।